कि जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ सिंगल रह रही हूँ, बाहर से हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ एडजस्ट कर लो। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो, कह रहे गलत नहीं कह रहा, तुम्हारे घर नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं बताऊंगा, क्या दिक्कत है, तुम्हारे खर्चे दे दूंगा। तो आपने अपने साले के भरोसे जो ये कंपनी छोड़ी है ना, वही डुबा रहा है और वही डुबाएगा, वो जो सेक्स रैकेट चला रहा है औरतों के बीच, तो आपकी कंपनी डूबेगी, 100% डूबेगी, लिखवा लो। आगे कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि किसी और स्टेट में भी तुम आगे का हाईलाइट हो गई तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, अगर मीडिया के सामने आ जाओगी तुम। यानी कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, इन दोनों की शामत आई। नीट न्यूज़ टाइम मीडिया ने साथ नहीं दिया क्योंकि वो कहते थे कि हम प्रशासन से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे वो एसडीएम साहब हो या अगर नोर के डीएसपी साहब हो, जो भी हो। राम राम भाई सारे भाइयों, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो फिलहाल मैं पानीपत लाइव जुड़ गया हूं और मुद्दा इतना गर्म है आग भाई, मैंने जगह और ठिकाना का नाम भी गलत बताया तरत है, मैं कितने और हूँ। तो मैं जड़ा का मन नाम लिया था उड़ा को नहीं जान के कहनी पड़ी, इनका नाम भी मैंने काल्पनिक रखना पड़ेगा। अच्छा फिर का नाम भी नहीं बता दिया, इनका नाम जो है वो नहीं बताऊंगा, इनका भी नहीं बताऊंगा। जड़ा जड़ा भी जावे हैं अपनी समस्या ने लेकर, मान ले वकील दो रह गई तो वकील की गलत नज़र पड़ी, यानी कि मतलब इसकी तरफ गलत दृष्टि, किसी पत्रकार से जब किसी मुद्दा का समस्या का तर गई उसकी गलत नज़र पड़ी, जब किसी लेबर कोर्ट में गई तो उसके कर्मचारियों गलत नज़र पड़ी, जब पुलिस वाले दर गई तो पुलिस वाले की गलत नज़र पड़ी, जिस कंपनी में ये काम कर रही है उसकी गलत नज़र पड़ी। तो फिलहाल बिना नाम बताएं मैं इनसे पूछूंगा भाई क्या समस्या है। और पहले तो आप राम राम मार दो हमारे। राम राम सर, क्या दिक्कत आ रही है आपको बताओ। सर इंसाफ नहीं मिल रहा, जो अडेला कंपनी है ना सतपाल बंसल, यहाँ पे मतलब कंपनी में सेक्स रैकेट चल रहा है, अगर आप इसकी कंप्लेन करते हो तो मतलब आपको निकाल दिया जाता है विदाउट रीजन, और लेबर कोर्ट में भी आपकी सैलरी नहीं दी जाती क्योंकि इनके पास किसी का डाटा नहीं है, और यहाँ पे 18 साल से कम एज के बच्चे भी काम कर रहे हैं, और जो सिर्फ इनकी गर्लफ्रेंड है ना सर वही काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आरोप लगाया जा रहा है इन द्वारा, लड़कियों द्वारा। अच्छा ये नोवी कौन है, बोला जिस बस में बैठ जाए हाँ ओढ़े गलत नजर, जिस ट्रेन में बैठा हाँ तो ओढ़े गलत नजर तो देखे, तो इस डाल की मझधार में ये फंस रहे हैं। तो किसने ये बात कही कि भाई गर्लफ्रेंड बनना जरूरी है तब जाके आप लोगों को? सर वहाँ के प्लांट हेड अभी जो मेन है अखिलेश गुप्ता, उन्होंने। तो इस बात में सच्चाई कितनी है, या देखो आरोप लगाना एक अलग बात है, सच्चाई कितनी थी? सर मेरा तो 2 साल पहले का था, बट अब जूही का तो है, अगर जूही मेरे को इंसान मिल जाता सर जूही के साथ ये ना होता। चलो हालांकि थोड़ा मैं, हाँ जी बताओ क्या दिक्कत। सर मैं अडेला इलेक्ट्रिकल्स में काम कर रही थी। क्या काम करती है कंपनी? मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में थी वहाँ पर, और लगभग साल भर से हो गया था मुझे वहाँ पर। हाल ही में भी 17 सितंबर को प्लांटेड अखिलेश गुप्ता बने, जिनसे मैं मिली थी सैलरी के रिकॉर्डिंग, उसके बाद जब उनसे मैंने सारी बात की, जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ सिंगल रह रही हूँ बाहर से हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ एडजस्ट कर लो। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो, कह रहे गलत नहीं कह रहा, तुम्हारे घर नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं बताऊंगा, क्या दिक्कत है, तुम्हारे खर्चे दे दूंगा। मैंने कहा सर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो कह लिया कि इसमें दिक्कत कोई नहीं आएगी, किसी को कुछ नहीं बता रहा मैं, पैसे लेते रहना। मैं नहीं सर, जब मैंने मना किया तो उस दिन से उन्होंने मुझे बार बार देखते थे, गलत इशारे करते रहते, ऐसे ऐसे इशारे करते, शायद आप लोग भी यकीन ना कर सके। अच्छा उसके बाद क्या, क्या किस तरह का, किस तरह के इशारे? सर एक लड़की को गलत इशारे, आप समझ रहे कि वो क्या और किस तरह से करेगा कि भाई उनके साथ एडजस्ट कर लूं, मैं ऐसा नहीं रह सकती किसी के यहाँ। हम लोग घर से अगर बाहर है तो इसका मतलब ये नहीं है। तो कि सर टाइम से काम कर रहे हो आप कंपनी? सर मैं फरवरी से काम कर रही थी। अच्छा हाँ जी सर। तो शुरुआत में ही उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी? में हुई अक्टूबर में, जब वो प्लांटेड बने तभी। अच्छा, उससे पहले तो मेरा कोई मिलने नहीं था उनसे। तो क्या कहते हैं, मतलब फिर आपने इसकी शिकायत दी कहीं? सर उसकी शिकायत के लिए मैं मालिक को मैंने चाहा कि मैं उनसे मिलूं, मालिक से मिलने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट में सैलरी का रीजन ही लगाया, जिसके तहत मुझे मिलने नहीं दिया। मैं डेली अपॉइंटमेंट के लिए जाती, 3-3 घंटे वेट करती थी मैं कि मुझे मालिक मिलेंगे, बंसल सत्यपाल बंसल जी मिल जाएंगे, मैं एक बार उनको बताऊंगी अंदर क्या चल रहा है। अच्छा मालिक तक, यानी कि मालिक जिसकी आप कंपनी बता रहे हो, उसमें जो सुपरवाइजर है या फिर जो प्लांट हेड, प्लांट को चलाने वाला पूरा प्लांट हेड गड़बड़ कर रहा है? हाँ सर। अच्छा अच्छा। और लाइन पे भी यही हाल है। तो मालिक तक नहीं पहुँचे आप? मालिक तक शिकायत नहीं? मालिक तक मुझे मिलने ही नहीं दिया गया। क्या क्यों, मतलब आपने कभी उनका कोई नंबर वगैरह या फिर जिस तरह? सर ना तो वहाँ कोई महिला का कोई सहयोग है ना कुछ है, और ना किसी को वहाँ पर नंबर दे रखा, गेट पे भी मालिक का नंबर नहीं है जिससे हम मालिक को इन्फॉर्म कर सके। अच्छा, कोई भी चीज मैं दर्शक ने बता दूं, जहाँ जहाँ अभी ये न्याय मांगने के लिए जावे हैं वो इनका इज्जत का सौदागर हो जाए। तो फिलहाल थोड़ा इतना जो तो मैं बता दूं आपने,
फिलहाल बहुत बड़ा मुद्दा है यू, और इन्होंने आरोप जो लगाया है कंपनी के जो प्लांट हेड है, जो क्या क्या बनाती है कंपनी, है कंपनी पावर कोर्ट्स बनाती है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ दी? सर, इसकी शिकायत सबसे पहले मैंने थाने में दी। थाने में मैंने इसलिए दी क्योंकि 21 तारीख में मुझे बुला करके केबिन ने बोलता तुमने मेरे क्या सोचा है। मैंने पूछा किस बारे में, कहा भाई जो मैंने तुम्हें बोला, मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद जबरदस्ती मुझसे कह रहे रिजाइन साइन करो। जब मैंने रिजाइन साइन नहीं किया, मैंने कहा आप ऐसा करो टर्मिनेशन लेटर बना दो मेरा कि मैं निकाल रहा हूँ, उस पर वजह लिखो कि मैं इस वजह से निकाल रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो इसलिए मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। जब उन्होंने दिया नहीं तो मैंने रिजाइन भी साइन नहीं किया, मुझसे दबाव बना गया। थाने में गई, थाने के आयु श्रीमती नाम, आप नाम मतलब वैसे बता दो, मैडम जो थी थाने की, उन्होंने मुझसे बोला कि इनके साथ कम्प्रोमाइज कर लो। तो मैंने कहा मैं किस बात का कम्प्रोमाइज करूं। उस दिन भी मेरी शिकायत खाली ली गई थी मुझसे, FIR नोट नहीं की गई। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी लड़कियां इसी तरह कोई पीड़ित होंगी? होंगी सर, बट बाकी सब छोड़ चुके हैं। अच्छा, जो कितने, जब आप काम करते थे आपने भी छोड़ दिया? हाँ, मेरे को 2 साल हो गए। अच्छा, कितनी लड़कियां काम करती थी उस टाइम? देखो हम 22 लड़कियां थी, बाकी सबने छोड़ दिया। तो जब मतलब लड़कियों जो गर्ल चल रही है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है वही काम करे, मेरे टाइम की अब नहीं आई होगी तो मुझे नहीं पता। तो सभी लड़कियों को ये कहा जाता है सेटलमेंट करोगे तो यहाँ उनकी ऑब्वियस है, उनकी गर्लफ्रेंड जब भी टिकी हुई है वो अभी तक। अच्छा अच्छा, हाँ तो जो गर्लफ्रेंड बन गई उनके साथ वो रह रही है, जो नहीं है उनको निकाल दिया जा रहा है। जो गर्लफ्रेंड बन जाती है उनको अलग से पैसा देते हैं शायद, मिलता होगा कि मतलब उनको संडे भी डबल मिल जाता है, और उनको जब मर्जी गेस्ट पास चाहिए होता है या छुट्टी चाहिए होती है वो मिल जाती है। और ये चीज तो मैंने सतपाल बंसल को भी बसाया, उनके बेटे अभय बंसल को भी बसाई है, बट उनको भी पता है फिर भी वो आगे नहीं आ रहे, तो क्या कर सकते हैं। दो बातें हैं, एक तो आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, एक गलत करने के उन्होंने प्रयास करे हो, मतलब इसमें भी अंतर बताओ, कोई गलत कुछ गलत हुआ आपके पास? भाई गलत नहीं हुआ, बट कोशिश के वो भी दबाव दबाव तो बनाया गया है ना। हाँ 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 हाँ, तो इस तरह और भी लड़कियां सामने आई है कोई? होंगी, अब शायद हमें देख के आए, अब आई नहीं रही हो ऐसा जरूरी ना, अगर इनको ऐसे टॉर्चर नहीं किया जाएंगे हम लोग। ये बताइए, जब थाने की मैडम ये कह रही है कि तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा, घर वाले तुम्हें निकलने नहीं देंगे थाने में, जब इस तरह से दवा हो रहा है। अच्छा, मतलब रोकने के लिए किस किस तरह का प्रेशर बनाया जाता है अभी ये बात किसी को पता नहीं? पुलिस भेजी जाती है और मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है सबसे ज्यादा, तो मतलब पहले आपके पेरेंट्स को परेशान करेंगे, फिर आपके एरिया में पुलिस लेके आएंगे, ये चीज हो रही है बहुत ज्यादा। आपके सुनने में आ रहा था, आप ये भी कह रहे थे जहाँ भी मैं जाती हूँ उन्हीं की गलत, मतलब वही इज्जत का सौदागर बन जाता है, मतलब सेटलमेंट की बात करता है, सेटिंग करने की बात करता है। कहाँ कहाँ गया? DSP ऑफिस में भी गई हूँ, मतलब कि SP ऑफिस में भी गई हूँ, DC ऑफिस में भी गई हूँ, और क्या कहते हैं बड़े थाने में तो ज्यादा कर सबसे ज्यादा गंद है वहाँ पे। और वकील? वकील भी है गन्नौर के, हर एक वकील, देखो मैं बोलूंगी नहीं बट हाँ है, कहीं है वहाँ पे। और क्या नाम है, डॉक्टर वगैरह से किसी बात? नहीं नहीं, फिर लेबर कोर्ट? हाँ, लेबर कोर्ट में सत्यपाल हैं, सत्यपाल जी। हाँ, सत्यपाल और मुकेश जी और नीतू मैम। तो वो क्या कहते हैं? वो भी सर उनका भी यही है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, पैसे ले लो, पैसे भी अगर जो हमारे 3 महीने की सैलरी वो हमें देते नहीं है, जो हमारी इनकम, मतलब हर तरफ से प्रेशर है, कॉम्प्रोमाइज करो। मतलब बंसल जी है वो इन लोगों को पैसा खिला सकते हैं, लेकिन जिस बंदे के दे रहे हैं ना वो नहीं दे सकते हैं। आप ये करते बस में जाऊं, ऑटो में जाऊं, ट्रेन में? हाँ जी, मिलते हैं गलत, हर जगह गलत लोग मिलते हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं ना बेटी बचाओ, बेटी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है, और मेन तो ये पुलिस वाले ही ऐसे हैं, तो कहाँ से सेफ होंगे? यानी कि जो बाढ़ है वाय खेत में खान लग रही है, और कानगर वाला दूध का दौरा, बिल्ली का पैरा, ये तो कोई इतने दूर से कहाँ से आए? सर मैं यूपी शाहजहांपुर से हूँ। अच्छा, यूपी से आए हैं आप? हाँ जी सर। तो अच्छा, फिर आपकी कोई जो शिकायत आपने लिखवाई कोई अमल नहीं हो रहा? सर कुछ नहीं हुआ, FIR भी नोट करी गई बहुत दबाव पर, मैंने कहा मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, तब FIR की है। उसमें भी मेरे ऊपर दबाव बना जा रहा था कि पैसे ले लो, प्लांट हेड भी सब तरह से कि ये मामला तुम दबा दो। मैंने कहा नहीं, छोटा बहुत नहीं है, हर तरफ तुमने टॉर्चर कर रखा, मैं इस तरह पीछे अब नहीं हटूंगी। अच्छा, हाँ, इसके बाद में मैं DC ऑफिस में, सिटी मजिस्ट्रेट में, सब कहीं गई। 182 लग जाएगी। अच्छा, CM विंडो की भी इन्होंने जो वहाँ पे होती है उसमें भी मतलब छेड़खानी कर रखी है। क्या, क्या? मतलब पहले एक साल पहले जो था उसमें मेरे को डरा दिया, 182 मेरे पे ही लगा दी उसमें। हाँ, हाँ जी, ताकि वो लड़की डर के बैठ जाए। आज जब मैं अब की स्टेटमेंट निकलवाती तो अब की कुछ और होती है। वैसे इन्होंने क्लोज ही कर दिया था, जब से मैंने उनको 15 दिन से प्रेशर दिया तो उन्होंने दोबारा बनाई है, यानी कि हनी ट्रैप बनाने की। हाँ जी बिल्कुल, ये बेला फुसला करके। हाँ जी, इसमें इन्वॉल्व सभी है, DSP भी है, SP भी है, SHO भी है, IO भी है, यानी कि सब मिलकर के खेलते कर रहे हैं सर ये गेम। और लेबर कोर्ट में भी सिस्टम है, लेबर कोर्ट वाले भी पुलिस से कनेक्टेड है, यानी कि सारे मिलकर के शोषण कर रहे हैं लड़कियों का। अच्छा, शमशेर शर्मा भी है इसमें, बड़ी इंडस्ट्री के प्रधान निर्मा चौधरी भी है, हर कोई है, हर कोई इन्वॉल्व। मतलब जहाँ भी आप न्याय मांगने जाते हो तो वहीं सेटलमेंट की बात नहीं है, एप्लीकेशन का सर,
डीसी ऑफिस में, सिटी ऑफिस में, एसपी सबके पास देकर आई एप्लीकेशन, उनके पास किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मैंने रिकॉर्ड रूम में गई, रिकॉर्ड रूम में कोई रिकॉर्ड नहीं, कहा 5-5 बार एप्लीकेशन दी। रोहतक में गई हूँ, रोहतक में आईजी ऑफिस के का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब कुछ देखने के बाद अब मेरी ये स्थिति आ गई, मैं क्या करूँ अब आप बताओ। मैं तो बाहर से हूँ। अच्छा, पहले मीडिया में पहले भी आए हो या फिर फर्स्ट टाइम है आज? तो अब देखिए, हमने मतलब ली थी, हमने हमको नीट थी, उस टाइम मीडिया ने साथ नहीं दिया क्योंकि वो ये कहते थे कि हम प्रशासन से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे वो एसडीएम साहब हो या गन्नौर के डीएसपी साहब हो, जो भी हो, ये चीज थी। तो अब इस लाइव को है ना पूरा हरियाणा देख रहा है, और हाँ, गृह मंत्री अनिल विज है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। मैंने मीडिया में कहा था, उन्होंने मुझसे कहा, मैडम मेरे जाने आने में खर्चा होता है, अगर आप खर्चा दोगे तब तो हम कुछ सोचेंगे, मुझे खर्चा आप लोगों को उसने मिलना, आप तो चले जाओगे, परदेसी हो, खर्चा तो हमारा कंपनी से ही आएगा ना, हम कंपनी के खिलाफ कैसे करेंगे। हेल्प मांगी थी जो किन्नर है गन्नौर के, बट उन्होंने यही बोला था कि भाई यहाँ पे हमें इनसे मांग के खाना होता है, हम नहीं आ सकते आगे। महिला आयोग से अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अनिल विज जी के अभी मैंने एप्लीकेशन लगाया, उसका कोई भी, अभी 15 दिन हो गए, मैंने 19 जनवरी को लगाया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है अनिल विज जी के यहाँ से। आप लोगों का पैसा भी रुका हुआ कुछ? बिल्कुल सर, हमारी 3 महीने की सैलरी और जो अगस्त में हमने काम कर रखा है वो भी, और सर वो तो बनता ही है, और इन्होंने इससे ज्यादा तो जो हमारी सैलरी नहीं है हमने खुद खर्च कर दिया। कौन सी कंपनी में? अडेला कंपनी है सर, ये सतपाल बंसल जी की कंपनी है, ये बड़ी में है। अच्छा, बड़ी। आप क्या काम करते थे? हम भी क्वालिटी चेक करते थे सर। आप क्या करते हैं? मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में थी। अच्छा अच्छा, तो आपने भी छोड़ दी? सर मुझे जबरदस्ती निकाला गया है, जब मैं उनके साथ आवाज उठाने के लिए, यदि आपने आवाज उठा दी तो निकाल दिया। हाँ, मैं मालिक को मिलकर ये सब बताना चाह रही थी ना, तो इसलिए मुझे प्लांट हेड ने निकाल दिया, उसको वजह भी नहीं पता होगी। तो आप लोग दोनों अभी लाइव हो, तो मालिक हैं जो, उनको अपील कर लो आप। मैं ना सर सतपाल बंसल जी को यही कहना चाहूंगी, अगर आपको नहीं पता है तो आपने अपने साले के भरोसे जो कंपनी छोड़ी है ना, वही डुबा रहा है और वही डुबाएगा, वो जो सेक्स रैकेट चला रहा है औरतों के बीच, तो आपकी कंपनी डूबेगी, 100% डूबेगी, लिखवा लो। जब मिलने ही नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा मालिक को? लाइव मैसेज तो जाएगा ना, आप भी बताओ, कोई अपील करोगे मालिक को जो कंपनी? बिल्कुल, जो कंपनी के अंदर चल रहा है, मैं चाह रही मालिक को पता चले, एक बार वो मिलने से हमसे कोशिश करे कि हम लोगों ने क्यों किया है, वरना कंपनी के खिलाफ कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन बाबे बंदे खराब है। चलिए देखो भाई, ये इनका 2 साल से, तो ये पहले 2 साल पहले ये काम करती थी, उस टाइम भी ये काम रहा था, आज जो इन्होंने छोड़ी है, इनको निकाल दिया, आवाज उठाई तो इनको निकाल दिया, तो आज भी गलत काम चल रहा है। इसका फोन आया था, मैंने कहा था मैं तेरी हेल्प करूंगी, इसका फरवरी में मेरे पास फोन आया था, तो मैंने इसकी हेल्प के लिए ही मैं आ गया, क्योंकि मेरे को तो मिला नहीं था इंसाफ, 182 मेरे पे लगा दी थी, तो इसके लिए। एसएचओ ने मुझसे अभी बोला 3 दिन पहले, तुम्हारा कुछ रह रहा हो तो बता दो, कई बार मुझसे पूछा, जब मैंने मना कर दिया, नहीं सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेमेंट भी मत दिलाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, भाईचारे के नाते पे ही तुमसे पूछ रहे हैं, हम एक बार बात करेंगे। तो मैंने कहा सर मेरा फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक का ओवर टाइम नहीं मिला है, तो कहेंगे कंपनी में जाके पता किया, कल वो हम तो नहीं करते, उन्हें जो करना है कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में केस कर दे वो हमारे खिलाफ। नहीं देते ना कोर्ट, बात तो यही है, जो बीच में करवाई होती है यहाँ पे वो रद्द करके उसको 182 हमको लगा के, पहले ही हम पीड़ित है, ऊपर से 182 हम भी लगा। आप जख्म पे नमक मिर्च डालना, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपको झूठा बना पहले में नमक छिड़कना, वही चीज हो रही है। हाँ जी, 4 महीने इसलिए इन्होंने किया ताकि 4 महीने कोर्ट का केस जो है ना, थाने की FIR बंद कर दे, इसलिए इन्होंने 4 महीने का टाइम लिया है। थाना बड़ी वहाँ पे अभी देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र कुमार, मेरे टाइम पे थे में? नहीं ये बड़ी में पड़ता है, गन्नौर से आगे। और सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप वहाँ पे जाएं, उनसे भी पूछे क्या चल रहा है। चलो फिलहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कक्षा में धूल फांक रहा है, और ये जो बेटी उत्तर प्रदेश से आई है और ये यहीं से, तो इनू लाओ भाई साहब, ये तो इन्होंने खुल कर कह दिया, और नहीं होगी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एसपी डीएसपी डीसी सब बैठे हैं, सब मिले हुए हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, तो कहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। यानी कि उम्मीदों पर पानी फिर रहा भाई, उम्मीद टूट ली है भाई, लाइट ऑन कर ले इसकी ऊपर दे, कर ले कोई नहीं, उम्मीद टूट ली है, उम्मीदों पर पानी फिर लिया है, और जो सकीम है वो कागजा में धूल फेंक रही है। आपने पहले भी कहा था, इबी भी कहूँ मैं, हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकी तक आवांगे भाई, बेबाकी तक आवांगे आग भाई, या चाहे तो सकीम बनाओ ना, और जब बनाओ हो तो फिर सकीम का नाम पर बुकाओ ना। हाँ क्या कर दे लास्ट टाइम सर? यही है देखो, पहले तो लड़ाई सिर्फ कंपनी से थी, अब तो पुलिस से लड़ना पड़ रहा है, और जो मतलब कि आईओ है एसएचओ है वो ही ये चीजें कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम बताओ, जो हमारे रक्षक है वही हमारे भक्षक बने बैठे हैं, अब उनसे हेल्प भी मांगे तो क्या मांगे। चलो फिलहाल एक बहुत दुखद खबर है यार, क्योंकि जिस पे भी ये न्याय मांगना था वो इज्जत का सौदागर, सेटलमेंट की बात करें सारे।
सेटिंग की बात करें, और जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं और भी लड़की शोषित है, पीड़ित है, और उनके साथ भी दुराचार हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। आपने इनकी बातें तक लाके कमेंट करके बताइयो, और प्रशासन तक वहाँ, मुख्यमंत्री जी तक वहाँ भाई, इस मामला की पूरी हाई लेवल की जांच होनी चाहिए, और इस मामला का की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। SHO थाने में होते हैं तब भी टीम से कॉल बा देते हैं, कह दो वो लड़की आई उससे कह दो SHO है नहीं अंदर, मेरा तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, मैं तो नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अब ये देखो अपनी जान हथेली पे धरके बताने लग रही है, खुलासे होने लग रहे हैं, हालांकि ननू बेरा इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सके है थोड़ा बहुत, क्योंकि जब पुलिस अपनी आप आओ तो टांग अड़ान के कई तरीके हुए हैं। बिल्कुल सर, मतलब टांगती है दूसरों को, खुद का मतलब खुद का बचाव के लिए दूसरों को टांग देगी। और ये बहुत गहरी बात बताई इन्होंने, ये कह रहे हैं भाई भीतर बैठे हुए हैं, लेकिन नू देख कर भी ये खुलासे करेंगे तो नू कह दे बोले आड़ा है को नहीं SHO, तो आप ला लो साहब। कमेंट है रही नू, दो साल पहले कहाँ थे हैं, दो साल पहले कहाँ थे, लड़ रही थी, अब तक लड़ रही थी, मीडिया का सहारा नहीं लिया था, दो अब साल तक लड़ रही थी भाई, दो साल से लगातार लड़ रही है ये, और इनकी और रिबर रे माटी बिरान माटी बदीन माटी बंक के धड़े नुका आगरा बोला रहा भजन कराया करो, इन भजन भी करके देख लिए, इन सारे बाने बजा लिए, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ काक चम चम के ग्राउंड पे या बिरान माटी है। अगर यही हाल रहा ना सर, मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, आज मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं बचा है, ये स्थिति पे अगर आ गई हो जिस तरह से हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि वकील कर लो ये कर लो, मैं सुसाइड करने को तैयार बैठी हूँ उस समय। नहीं ऐसा नहीं सर, चुनौतियों का सामना करना सीखो, सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं सर, क्या करूँ बाहर से आई हूँ, चार महीने लगातार हो गए सर, चार महीना कोई आसान नहीं होता, तो कमरे किराया देना, खाने खर्चा देखना, आने जाने का सब कुछ देखना, कोई पास में नहीं रखा है थाना, पास में नहीं है सर, बहुत दूर दूर है, पानीपत है, दिल्ली जाओ सर, अंबाला जाओ, अंबाला मैं अनिल पिजी क्या जा चुकी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ बता दो, कोई जब ऐसा ही चलता रहे मैं कहाँ जाऊंगी अब, क्या कर दे सर, मैंने खुद की सेविंग जब मेरी खत्म हुई है, जो ये मतलब उठा रहे कि भाई आप दो साल तक कहाँ बैठे थे, चुप बैठे थे, जब तक मैंने डेढ़ साल तक लड़ाई लड़ी है मैं सिर्फ पांच छह महीने घर बैठी हूँ, जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया था, ठीक है, मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ, मतलब आप बंदे को इतना तोड़ दो, उसके पैसे खत्म हो जाए, उसकी जुतियां घिस जाए, ठीक है, वो पागल हो जाए, मेंटली उसको टॉर्चर कर दो, वो सुसाइड कर ले, जब आएगी आपकी पुलिस। थाने में भी यही हुआ है, क्या करते थे, मुझे बुलाते थे, टीम को भी वहां से बुला लेते थे, कंपनी से डेला से, जब बोलो मुझसे कहते बोलो चले गए, ठीक है आप जाओ, उसके बाद फिर दोबारा मैंने गोल चक्कर बैठ करा, दोबारा फिर अडेला के बंदे फिर आते हैं, प्लांट हेड HR आकर के मैडम से मिलता है, जो भी मिलता हो, पीछे वाले गेट से आते हैं, यही DSP ऑफिस में भी हुआ सोनीपत में, यानी कि खो खो वाला खेल, टाल मटोली, अड़े के तड़े, ये बटवाई गागेगी, मेरे मुंह पे मेरे, इसके मुंह पे इसके, भाई इसको बोलते हैं कि वो दो साल तक धक्के खा रही, इसको इंसाफ नहीं मिला, तेरे को भी क्या मिलेगा, और फिर मेरे को मतलब यही चीज हो रही है सर, बहुत ज्यादा हो रही है। चलो फिलहाल आपने केला का कमेंट करके बताइयो, और बहुत ज्यादा मतलब बड़ा रिस्क लिया है इन्होंने, इन्होंने रिस्क लिया ही हूँ, क्योंकि इन्हें बेरा भाई इसका खामियाजा भुगतना पड़ सके है, लेकिन एक सवाल हमारा मुख्यमंत्री जी तो है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसका बढ़ाने का क्या फायदा, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, पर्सनली मिलना चाहेंगे, क्योंकि भाई इतना हर्ट हुआ है, जब हमारी जान को खतरा भी, हमें उठाने की धमकियां भी मिलती है, ऑब्वियसली बात है, ये गहरी बात। चलो ये मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की इच्छा जाहिर करिए, इन आप इस वीडियो ने शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो, और टैग कर दो CM, मतलब जो अपने CM विंडो में तो हो जाओगी, जो बिल्कुल बिल्कुल अनिल विज जी चाहते, जो पुलिस वालों ने गलत किया उन्हें सस्पेंड किया जाए, खासकर जो महिला आयोग की आयोग है उसको तो बिल्कुल वो डिजर्व नहीं करते, उसकी जगह कोई बेटर कोई डिजर्व करता है, भाई बैठ खेत ना खाने लग रही है, कुल मिला के बात कर दो शेर भाई। अभी मुझसे कह रहे दबाव बना रहे, कल चार महीने होगा, छोड़ दो तुम इस केस को, तुम्हें यहाँ कोई जॉब नहीं देगा, और आगे कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि किसी और स्टेट में भी तुम आगे का हाईलाइट हो गई तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, अगर मीडिया के सामने आ जाओगी तुम, यानी कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, इन दोनों की सहमत आई, रिस्क पे है भाई, तो ये है जमा उस पर डेंजर होने का डेंजर पॉइंट पे, चलो कर दो शेर भाई। हम नहीं है, मैंने कहीं और से भी बात किया, काफी लड़के भी परेशान है गन्नौर पुलिस से, आज उसमें तो काफी बड़े बड़े अफसरों का नाम आ रहा है, क्या बताऊं मैं आपको, करो शेर भाई, यार आम प्रशासन से अपील करा, इस मामला की निष्पक्ष जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो, और इन बेटियां ने न्याय मिले भाई, कर दो शेर भाई।